मैं एक्चुअली कॉलेज से कभी बाहर गया ही नहीं, मेरी उम्र अभी हो गई है 28-29, बट दिमाग से अभी भी 21 ही हूँ। कॉलेज लाइफ मेरे से कभी दूर नहीं जा सकते। हाँ, मेरे काफ़ी दोस्त मिठी भाई से थे एंड आई फेल्ट यू नो, मुझे इस कॉलेज में आके मेरे दोस्त जब मिले तो आई फेल्ट मोर कनेक्टेड कि ना ये भी मेरा कॉलेज है, वो भी है। इट्स आई थिंक वी आर ऑल वन एनी वे। क्या कॉलेज में क्या, हम लोग सब मुंबई का और इंडियंस है। वो जब तक कॉलेज आया मेरा कॉलेज खत्म हो गया, बट वो बहुत पढ़ाकू था और मैं बहुत लड़ाकू था। आई रिमेंबर इन दिस हॉल विच इज दैट स्मॉल दिस संतोख बा एट FYJC में आई सैंग वन सॉन्ग विच वॉज क्यों आज कल नींद कम ख्वाब ज्यादा है लगता खुदा का कोई नेक इरादा है, ये वाला गाना गाया था और मैं सेकेंड आया था, तो तभी मेरे को लगा हाँ कुछ पॉसिबल है, म्यूजिक कर सकता हूँ। जी कली बहुत ही अमेजिंग फीलिंग है, बहुत टाइम बाद एक ओरिजिनल एल्बम आया, थोड़ा बॉलीवुड को भी एक रिलीफ मिला, यू नो रीमिक्सेस चल रहे हैं, कोई कोई नहीं चल रहे तो भी लोग चल रहे तो, बट आई फील यू नो बहुत अच्छे कंपोजर्स थे मेरे साथ, साचे टंडन, परंपरा ठाकुर, विशाल मिश्रा, अखिल सचदेव एंड मिथुन, तो लेजेंड है, तुम ही हो बनाने वाले इंसान। सो आई थिंक साथ में हम लोग की एक केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी, डायरेक्टर बहुत यू नो वो जानते थे उन्हें क्या चाहिए एंड द सपोर्ट ऑफ भूषण कुमार हु यू नो लेबल हेड है, प्रोड्यूसर भी है, मुराद सर, आई थिंक सब ने, कभी कभी होता है कि बहुत लोग होते हैं ना एल्बम में, कि कभी आजकल एक कंपोजर या जो भी, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि यानी ठीक ठाक एल्बम होता है, बट ये ऐसा एल्बम है कि यानी एवरीवन्स डन दैट 100% एंड दैट्स व्हाई आई थिंक वी वन। मेरे को पता था। हाँ हाँ ठीक है। आई थिंक मैंने भी गलतियाँ की है ऐसी, और मैंने गुलाबी आके किया था, आर डी बर्मन के अंदर लेजेंडरी गाना खराब किया था मैंने, तो मुझे लगता है उसके बाद मैं थोड़ा केयरफुल हो गया कि यानी जब मैंने सोच ना सके तुम्हें अपना बनाने या और कौन सा था, घर से निकलते ही जब किया, कि कभी भी ओरिजिनल जो कंपोजर है, लिरिसिस्ट है और जो सिंगर है, वो जब गाना सुने उनको ये नहीं लगे कि मेरे गाने को तबाह कर दिया, यू नो, क्योंकि इफ टुमारो समवन रीमेक्स सूरज डूबा है तो आई विल, इफ दे डोंट डू, दे शुड रीमेक इफ दे डू, बट इफ दे डोंट डू इट राइट, यू नो रीमेक करने का एक वैल्यू होती है कि अगर 10 साल 20 साल पुराना गाना है 30 ईयर्स का आप लोग, तो दैट सॉन्ग कहीं ना कहीं आज के 17-18 ईयर ओल्ड नहीं जानते, उसे अच्छे से प्रेजेंट करो तो इट्स ग्रेट, लाइक आँख मारे अच्छा था, बट नहीं होता तो फिर ज़्यादा हो रहा है और फिर 200-200 रीमेक आ रहे हैं, तो आई थिंक वो थोड़ा बैलेंस हो सकता है कि थोड़े ओरिजिनल थोड़े रीमेक्स हो तो अच्छा। 20 घंटे सोने वालों में 2020 to all my fans and everyone who's watching me, happy new year and jo resolution banao us pe agar nahi amal kar sako to fir agle saal fir se koshish karna. thank you see you. fabulous thank you so much, so energizing, like we saw you. Yeah, what I have to say about this festival, I'm very very happy being here and interacting with the students, because Happy Hadi and he releases on the 31st of Jan, and they have made the music so popular that we are you know doing these concerts all over India, and we are getting such a beautiful response to the songs even before the trailer has come out. So after a long time, by the grace of God, film's music has really reached the heartland of India. And songs like Teri Meri Kahani or Aashiqui Mein Teri or Heerie or Cutie Pie and TikTok, the new song which has not even come, I mean people are reacting to the songs, and you saw those songs, the way they were reacting to those songs. So I'm really happy that the producer of the film, Deepshikha Deshmukh, and our music company has really, the tips has given us the opportunity to release the music before the trailer, which is not, you know, aajkal aisa hota nahi hai ki trailer baad mein aata hai aur music pehle aata hai, because ek love story hai और एक बहुत ही ब्यूटीफुल कहानी है कि हरप्रीत सिंह लांबा का फ्रेंड जोन हो गया है, तो आप ज़िंदगी में देखते हैं कि कहीं ना कहीं आपकी कोई बेस्ट फ्रेंड होती है जहाँ पे वो आपको एक फ्रेंड के रूप में एक्सेप्ट करती है बट नॉट एज अ बॉयफ्रेंड, एंड वही हरप्रीत सिंह लांबा यानी हैप्पी के जो किरदार में, जो सरदार का रोल मैं प्ले कर रहा हूँ उसके साथ होता है, एंड देन शी हीर जो है हमारी हीरोइन जो है सोनिया मान प्ले कर रही है, जिसको हम ट्रेलर पर मीडिया के सामने ज़रूर इंट्रोड्यूस करेंगे, और वो शी फॉल्स इन लव विद हार्डी एंड वेदर शी कम्स बैक टू द फ्रेंड जोन
guy happy or she moves on with Hardy is the love story. But it's a very, very sensitively made love story and very beautifully shot in Scotland. And एक देसी बंदों की कहानी है बहुत, और लव स्टोरी के लिए एक म्यूज़िक जो है बहुत इंटेग्रल पार्ट प्ले करता है. बिकॉज हमने देखा है कि पहले जो बहुत अच्छी ग्रेट लव स्टोरीज आती थी, वेदर इट वॉज तेरे नाम और हम दिल दे चुके सनम, साजन दिल है के मानता नहीं, दे हैड म्यूज़िक विच वॉज वेरी पॉपुलर बिफोर द रिलीज़. तो वही स्ट्रैटेजी हमने अपनाई है कि भाई हैप्पी आर डी हीर के कनेक्ट के लिए ये गाने रिलीज़ से पहले पॉपुलर हों, जो अब हुए हैं, जिसकी वजह से हमने ये कॉन्सर्ट्स किया. और आज यहाँ आकर वो जो वन टू वन कनेक्शन रहा कॉलेज स्टूडेंट्स के साथ, उसके लिए मैं बहुत बहुत आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ, बहुत ही शुक्रगुजार हूँ स्टूडेंट्स का, दैट दे आर रिएक्टिंग सो पॉजिटिवली. एंड नाउ वी आर वेरी हैप्पी, वेरी सून विल बी आउट विद द ट्रेलर एंड 31 जनवरी को पिक्चर आ जाएगी. दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम डूइंग अ डबल रोल एंड ये मेरी 10वीं फिल्म है एज एन एक्टर. एंड हर फिल्म में मेरा एक ग्रोथ आपने देखा है, एक ट्रांसफॉर्मेशन तो आप देख ही रहे हैं. बट क्योंकि एक्सपोज में मुझे अच्छे रिव्यूज़ मिले और अब उसका सीक्वल बनने जा रहा है अगले साल, तो एक लव स्टोरी मैंने कभी नहीं की, हमेशा एक थ्रिलर किया है एज एन एक्टर. तो आई वॉन्टेड टू डू अ लव स्टोरी बिकॉज आपका सुरूर एल्बम में एक जो मेरा किरदार था वो एक वॉज अ मैन इन लव, एंड कहीं ना कहीं एक प्योर लव स्टोरी मैंने अपनी फिल्मों में नहीं की थी, वेदर इट वॉज अ कॉमेडी और थ्रिलर किया था. सो आई वॉन्टेड टू डू अ लव स्टोरी एंड द स्क्रीन प्ले हैज़ बीन डन बाई माई वाइफ, डायलॉग्स आर बाय बंटी राठौर, जो बहुत ही अच्छी स्क्रिप्ट थी. इसके लिए एक दो साल इस कैरेक्टर में, वेदर सरदार के हरप्रीत सिंह लांबा हो या हर्षवर्धन भट्ट हो, जो एक गुजराती कैरेक्टर है हार्डी का, NRI गुजराती बिजनेसमैन का, तो उसके लिए वो वर्कशॉप्स किए कि वो किरदार में कभी आपको एक हिमेश रेशमिया म्यूज़िक स्टार ना दिखे बल्कि वो एक्टर दिखे. और इसके लिए एक जो मेहनत होनी चाहिए, बिकॉज आज मुझे कहीं ना कहीं एक प्लेटफॉर्म बीइंग अ म्यूज़िक स्टार हमेशा मिला है, एंड दिस इज़ माय 10th फिल्म एज एन एक्टर. सो आई हैड टू गो टू दैट नेक्स्ट लेवल, जो एक एक्टर के लिए एक गेम चेंजर फिल्म होती है. एंड मैंने अपनी तरफ से बहुत मेहनत की है कि उस किरदार के छोटे से छोटे न्यूएंसेस को मैं बहुत अच्छी तरह निभा सकूं. एंड एक डबल रोल है, बहुत चैलेंजिंग रोल है, एक लव स्टोरी है, और कहीं ना कहीं एक यू नो लोगों का ये मानना होता है कि भाई म्यूज़िक स्टार्स हमारे हिंदुस्तान में उतने बड़े एक्टर्स नहीं बन सकते. तो मेरे लिए ये बात है कि भाई आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दैट वन गेम चेंजर फ्राइडे विच इज़ दिस फिल्म. जैसे कहीं ना कहीं जैसे अमित जी के लिए जंजीर साबित हुई थी, शाहिद के लिए कबीर सिंह ने एक गेम चेंजर होने का जो वो किया था, उसके लिए आपको अपनी मेहनत होती है, किस्मत होती है. सो आई हैव रियली वर्कड हार्ड ना, वो बाकी किस्मत के ऊपर है, बट आई एम वेरी पर्सनली हैप्पी विद द प्रोडक्ट एंड द लव स्टोरी ऑफ द फिल्म. मुझे फ्रेंड जोन नहीं किया गया, लेकिन यस डेफिनेटली हार्डी के किरदार से मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ. लेकिन हरप्रीत सिंह लांबा जो हैप्पी है उस किरदार में, जो हमारे एक बहुत करीबी दोस्त हैं, उनका उनकी बेस्ट फ्रेंड ने फ्रेंड जोन कर दिया था, और मैंने उनकी तड़प देखी है उनकी दोस्त के लिए, और उनकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट बाद में आया. और वो ट्विस्ट क्या है, कहीं ना कहीं ये कहानी उसी दोस्त की पर्सनल लाइफ पे आधारित है. कि और जब आप फ्रेंड जोन होते हो, आप अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ हो, लेकिन वो आपको एक दोस्त की वाइब देती है, तो वो तड़प बहुत बहुत मुश्किल होती है सहना. बट आपकी सच्ची मोहब्बत क्या आपकी आपके दोस्त को जीत सकती है, या आपको वो सैक्रिफाइस करके मूव ऑन करना पड़ेगा, यही कहानी है हैप्पी हार्डी एंड हीर की. देखिए मेरा एक्चुअली मुझे जो ये जो सेल्फी वाला जो इंसिडेंट हुआ था, वो बहुत लोगों ने मुझे पूछा है, बट मुझे ऑलवेज ये लगता है कि आई थिंक द राइट पर्सन टू आंसर दिस क्वेश्चन विल बी रानू जी. बिकॉज कहीं ना कहीं उसकी बैक स्टोरी क्या है, उन्होंने क्यों ऐसा किया, और किया तो क्यों क्या, कहीं ना कहीं बिकॉज आज यू नो मैं इट्स लाइक कि मैं आपको ऋतिक रोशन जी के लिए कोई सवाल पूछूं, तो आप कैसे जवाब देंगे. तो मेरा वही है कि मैं क्या कैसे उनके बिहाफ पे जो मैं जवाब दूं वो ठीक नहीं है. तो कहीं ना कहीं मैं ऑलवेज़ ये समझता हूं कि मीडिया को रानू जी को पूछना चाहिए कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ. देखिए ये मेरा आंसर कुछ भी देना रॉन्ग हो जाएगा. आप कहीं ना कहीं समझिए, मेरी स्थिति ऐसी है कि मैंने
बहुत लोगों को ब्रेक दिया है, तो कहीं ना कहीं अब जैसे दर्शन रावल ने खींच मेरी फ़ोटो में, मैंने उसको इंट्रोड्यूस किया, आकाशा को इंट्रोड्यूस किया, प्रेम रतन धन पायो में अपनी पलक को किया, बट उनकी ज़िंदगी में अगर कुछ कोई होगा तो वो मैं कैसे आंसर कर सकता हूँ? तो ये मुझे एक्चुअली ये क्वेश्चन मेरे लिए बनता नहीं है, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है। थैंक यू सो मच। हम हाँ जो हाँ आपने एक्चुअली जी टॉक है जी जरूर। तेरी मेरी तेरी मेरी तेरी मेरी कहानी, आशिकी में तेरी जा जा जाएगी जा मेरी, ओ आशिकी में तेरी जा जा जाएगी जा मेरी, दे दे दिल आशिकी में है कसम है मेरी, ओ आशिकी में तेरी जा जा जाएगी जा मेरी, जब आई टू आई तेरे संग जुड़ दी, जब टिक टॉक तू चल दी, हाय कलेजे विच डुकी बजदी, कलेजे विच डुकी बजदी, ओ कलेजे विच डुकी बजदी, ओ कलेजे विच डुकी बजदी, मेरे दिल का बंगला कर लो ऑक्यूपाई, क्यूरी पाई क्यूटी पाई, तुम ना मिले तो आई विल डाई, रैप क्यूरी पाई क्यूटी पाई, ओ हीरिये मेरी सुन जरा, है इश्क मेरा सर फेरा फसाना, है इश्क मेरा सर फेरा फसाना, ओ हीरिये मेरी सुन जरा, है इश्क मेरा सर फेरा फसाना। थैंक यू थैंक यू सो मच।